हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपसे बात करूंगा लॉर्ड डलहौजी, जो कि हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल थे। किस टाइम में? 1848 से 1856 के टाइम में। इनके टेन्योर के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, क्या क्या बात हुई, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, जो लॉर्ड डलहौजी थे, गवर्नर जनरल थे इंडिया के फ्रॉम 1848 टू 1856। इनका रियल नाम था जेम्स एंड्रयू रैमसे। अब क्या हुआ था कि इनके टाइम पे एक सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था, जिसमें किसके किसके बीच लड़ाई हुई थी? सिक्स के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इसमें क्या हुआ था कि सिक्स फिर से हार गए थे और डलहौजी ने सक्सेसफुली पंजाब के पूरे प्रोविंस को ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यानी कि सिख का जो पूरा इलाका था पंजाब का, उसको तो ऑक्यूपाई किया ही किया। प्लस जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी चलाई थी, जिससे इन्होंने बहुत सारे प्रोविंसेस को कॉन्कर किया। लॉर्ड डलहौजी ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, इन इतने अच्छे कामों में कुछ रिफॉर्म वर्क्स थे, जिसमें पहले क्या था, अब यार ये कहा तो अच्छे काम जाते हैं रेलवे लाइन को पढ़वाना, लेकिन बेसिकली ये भी बोला जाता है कि जो रेलवेज़ के आने का जो सबसे बड़ा रीज़न था इंडिया में जो रेलवेज़ के लाने का, वो ये था कि भाई अच्छे से एक्सप्लॉयटेशन हो सके इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज का। यानी कि इंडिया में जो रेलवेज बन रही थी ना, ये ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई थी अच्छे से। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि रेलवेज़ ने कुछ तरीके से इंडिया का भला किया। तो देखा जाए तो जो फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया में चालू हुई थी बॉम्बे और थाने के बीच में 1853-1854 में, वो लॉर्ड डलहौजी ने चालू की थी। फिर उसी साल, ठीक है, कलकत्ता और आगरा की सिटीज़ को टेलीग्राफ लाइन से भी जोड़ा गया। उसके बाद एक पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया लॉर्ड डलहौजी ने। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में प्रोमोलगेट किया लॉर्ड डलहौजी ने। ये सब कुछ किया लॉर्ड डलहौजी ने। अभी सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट था जब लॉर्ड डलहौजी आए एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उस समय पे ये जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर था 1848 और 1849 के टाइम पे चल रहा था, और लॉर्ड डलहौजी 1848 में ही आए थे। इसमें ऑब्वियसली बात है, सिख्स हार गए और सिख किंगडम ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ कि अगर जो लाहौर का एरिया था, लाहौर वॉज द सीट, एक तरीके से आप कह सकते हो कि इट वॉज द कैपिटल ऑफ पंजाब, तो सर हेनरी लॉरेंस को अपॉइंट किया गया लाहौर दरबार में। लेकिन सर हेनरी लॉरेंस को इंग्लैंड जाना पड़ा क्योंकि उनको कुछ डिजीज़ हो गई, और उसकी जगह पे एक लॉयर को अपॉइंट किया लॉर्ड डलहौजी में दरबार में। किसके? लाहौर के दरबार में, पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए। उसका नाम था सर फ्रेडरिक क्यूरी। अब जो सर फ्रेडरिक क्यूरी थे ना, एक तो ये लॉयर थे, तो ये लीगल पर्सन थे। दूसरी बात है, ये बहुत ज़्यादा डिक्टेटर टाइप के पर्सन थे। और उस समय पे जो मुल्तान था, मुल्तान का जो गवर्नर था वो था मुलराज, ठीक है, एक तरीके से पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन वो देख रहा था। अब क्या हुआ कि भैया मुलराज से फ्रेडरिक क्यूरी ने कहा कि भैया जो तुम्हारे टैक्सेस बचे हैं उनको दो, और इसके लिए कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को पैसा कलेक्ट करने के लिए भेज दिया मुलराज के फोर्ट में, ठीक है। मुलराज भी अपने अलग ही दिमाग के आदमी थे, ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ज़बरदस्ती की, तो कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसने मुलराज की सेना ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को थोड़ा वाउंड कर दिया। तो उस समय तो कुछ लोगों ने उन ब्रिटिश ऑफिसर्स को बचा दिया गया, लेकिन अगले दिन कुछ एंग्री मॉब इकट्ठा हुआ और उसने सर फ्रेडरिक क्यूरी के साथ साथ उस पूरे ब्रिटिश फोर्सेस के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स आए थे उन सबको मार दिया गया। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को गुस्सा आया और लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि भैया फुल फ्लेश्ड वॉर, और जो स्मॉल आर्मी थी ना मुलराज की, उसको पूरी तरीके से हरा दिया गया। तो क्या हुआ कि ये था सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। और हुआ ये कि ये जो था रिवॉल्ट था, ये उसी समय तुरंत ख़त्म नहीं हुआ, ये बहुत दिन से चलता रहा, कई महीनों तक चलता रहा, और एंड में सिख्स पूरी तरीके से हरा दिए गए। क्योंकि जो पंजाब का एरिया था ना, वो भी मीजल से बना हुआ था, तो अलग अलग मीजल थे, सुकर चकिया मीजल के थे राजा रंजीत सिंह, जिन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था पंजाब पे और राजा बन गए थे। पर उनके मरने के बाद जब भी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ, पहले एंग्लो सिख वॉर में भी सिख्स हारे और दूसरे एंग्लो सिख वॉर में भी सिख्स पूरी तरीके से हार गए, और 29 मार्च 1849 को पंजाब को पूरी तरीके से कॉन्कर कर लिया ब्रिटिश ने। किसके टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। अब ये जो रानी जिंद कौर थी ना उस समय पे, उनको बंदी बना लिया गया, और उनके 11 साल के बेटे राजा दुलीप सिंह को भी बंदी बना के, इन दोनों को बंदी बना के पेंशन दे के लंदन भेज दिया गया। ये लोग फाइनली लंदन में सेटल हो गए और पंजाब का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लॉर्ड डलहौजी के अंडर, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया, ठीक है। अब क्या था कि जो पंजाब था ना, पंजाब बोला जाता है कि इट वाज अ वेरी रिच प्रोविंस, तो पंजाब को जीतना ना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लॉर्ड डलहौजी के कमांड के अंदर एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत मेजर इवेंट था। इससे क्या हुआ कि जब पंजाब को सबड्यू कर दिया ना ब्रिटिशर्स ने,
तो जो अगल बगल के रीजन थे ना वो डर गए कि उन्होंने सोचा कि जब इतने माइटी पंजाब जैसे स्टेट को सब्ड्यू कर दिया गया तो हमारी तो क्या ही औकात है। तो कुछ समय के लिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को पंजाब के सब्जुगेशन से बहुत फ़ायदा हुआ। उसके बाद जो मेजर इवेंट हुआ आपके ये लॉर्ड डलहौजी के टेन्योर में वो था सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर, जो ये हुआ 1852 से 1853 के बीच में। अब देखिए, ट्रीटी ऑफ यान दाबू साइन हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और बर्मीज किंग्स के बीच में फरवरी 24, 1826 में। ये ट्रीटी ऑफ यान दाबू साइन हुई थी जिसमें पहला एंग्लो बर्मीज वॉर ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो इस ट्रीटी के पास 20 साल तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जो क्या था ना कि ब्रिटिश जो बर्मीज किंग थे ना, बर्मा के जो राजा थे, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि क्या था कि इंग्लिश मर्चेंट्स ना बहुत ह्यूज मतलब ह्यूज नंबर्स में जाके बर्मा में सेटल हो रहे थे। वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज इंग्लिश मर्चेंट्स को बहुत पसंद आ रहे थे और वहाँ के लोकल लोग और बर्मीज किंग चाहते नहीं थे कि ब्रिटिश के ट्रेडर्स यहाँ पर आके सेटल हों, तो वो इंग्लिश मर्चेंट्स को बहुत सपोर्ट नहीं दे रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि इंग्लिश मर्चेंट्स को गुस्सा आई और उन्होंने जाके सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर से शिकायत की कलकत्ता में कि भाई हमको बर्मा में एक प्रॉपर, कहते हैं ना, एक प्रॉपर हमारे साथ ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा हमें बर्मा में। तो उस समय पे भाई कलकत्ता में कौन राजा थे, तो राजा तो उस समय पे लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी के पास ही पावर थी, वो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। तो जब उनको पता चला कि जो बर्मीज ऑफिशियल्स थे रंगून में वो इस तरीके का रवैया दिखा रहे हैं इंग्लिश मर्चेंट्स की तरफ, तो एक तरीके से लॉर्ड डलहौजी ने बर्मीज किंग को एक फरमान भेजा और उससे कहा कि बर्मीज किंग ने जो कुछ भी तरीका दिखाया है, जो गलत तरीका दिखाया है इंग्लिश मर्चेंट्स के साथ, उसके लिए बर्मीज किंग को कंपनसेशन देना पड़ेगा। लेकिन इस फरमान का कोई जवाब नहीं आया बर्मा की तरफ से, जिससे लॉर्ड डलहौजी को एक बहाना मिल गया बर्मा पे अटैक करने का। ठीक है, और ये तब्दील हो गया सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर में, जो था 1852। अब ये कहा जाता है कि बहुत सारे और भी रीजंस थे ट्रीटी ऑफ यान दाबू में, छोटे छोटे इश्यूज थे जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर लड़ा गया 1852 में, पर एग्जैक्ट कारण एंग्लो बर्मीज वॉर, सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर 1852 का आज तक नहीं पता चला है लोगों को। लेकिन ये वॉर शुरू हुआ कब, 5 अप्रैल 1852 को, और इमीडिएटली ब्रिटिश एक मैराटन पोर्ट है उसको ऑक्यूपाई कर लिया, फिर 12 अप्रैल को रंगून को ऑक्यूपाई कर लिया गया, फिर जून में पेगू को ऑक्यूपाई कर लिया कर, फिर वॉर फाइनली 1853 में ख़त्म हुआ जिसमें एक प्रोक्लेमेशन ऑफ एनेक्सेशन पढ़ा गया। ठीक है, और कोई तरीके की ट्रीटी नहीं हुई दोनों साइडों में, एक तरीके से ये कहा गया कि भैया बर्मा को एनेक्स कर लिया है ये ब्रिटिश ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पेगू को नाम दे दिया गया लोअर बर्मा, और इस वॉर से हुआ ये कि ब्रिटिश टेरिटरी जो ब्रिटिश का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था वो राइट फ्रॉम चिट्टागोंग इन बांग्लादेश टू सिंगापुर इन द ईस्ट तक लाई कर रहा था इस सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा म्यांमार अपने इंग्लैंड के कंट्रोल में आ गया था। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करते हैं, आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि मान लीजिए कि किसी प्रिंसली स्टेट का नेचुरल हेयर नहीं है, नेचुरल हेयर कहने का मतलब है कि मान लीजिए वहाँ का राजा है और उसका जो बेटा होगा वही नेचुरल हेयर होगा। अब मान लीजिए वहाँ का राजा है उसका कोई बेटा नहीं और राजा मर जाता है, तो पहले वहाँ के स्टेट्स के पास ये पावर थी कि हाँ भाई वो नॉमिनेट कर सकते थे उसकी बीवी, राजा की बीवी या कोई और जो वहाँ के वजीर, वो नॉमिनेट कर सकते थे राजा कौन बनेगा। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने सीधे सीधे ये बोला कि अगर जो राजा है उसका कोई नेचुरल बेटा, मतलब उसका खुद का कोई अगर बेटा नहीं और वो राजा बिना किसी बेटे के मर जाता है, ठीक है, तो फिर उस स्टेट पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो जाएगा, वो स्टेट अपने मन से किसी को भी राजा प्रोक्लेम नहीं कर सकता। अब ये जो पॉलिसी लेके आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, ऐसा नहीं था कि डलहौजी इसको पहली बार लेके आए थे, 1844 में ये पॉलिसी पहले भी लाई जा चुकी थी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के साथ, लेकिन उस समय पे डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ने इस पॉलिसी को मैंडेटरी नहीं बनाया था। इस पॉलिसी को मैंडेटरी और पूरी तरीके से इम्पोज कब किया गया, जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रिंसिपल कौन लेके आया, लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने इस पॉलिसी को पूरी तरीके से इम्पोज किया गया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसके बाद क्या हुआ, इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू यू नो डलहौजी को, देखिए डलहौजी का मेन एम था कि उसके ब्रिटिश टेरिटरी को, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को उसको बढ़ाना था, उसका सीधा सीधा एम था। एक तो यंगेस्ट गवर्नर जनरल था, बहुत ज़्यादा यू नो एनर्जेटिक था, बहुत ज़्यादा उसका मतलब जल्दी से जल्दी ब्रिटिश की टेरिटरीज को बढ़ा दिया गया, इसलिए
ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसको लगा कि एक बहुत पोटेंट टूल है। उसमें तीन तरीके के कैटेगरी थे इंडियन स्टेट्स में, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, प्रोटेक्टेड अलाइज थे, डिपेंडेंट स्टेट्स थे। इंडिपेंडेंट स्टेट्स में वो स्टेट्स आते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं देते थे और जिनके एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश पावर का कोई इंटरफेरेंस नहीं था और उन्होंने ब्रिटिश पावर की सुप्रीमेसी को नहीं माना था। दूसरे थे प्रोटेक्टेड अलाइज, जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी को मान लिया था और उनको एक रेगुलर टैक्स दे रहे थे। तीसरे थे डिपेंडेंट स्टेट्स, जिनके रूलर्स तक को ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल ही अपॉइंट करते थे, जिनके राजास तक को ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिशियल ही अपॉइंट करते थे। तो आप समझ सकते हैं प्रोटेक्टेड अलाइज और डिपेंडेंट स्टेट्स पे तो सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। ठीक है, अब क्या था कि जो प्रोटेक्टेड अलाइज के जो रूलर्स थे ना, इनको मैंडेटरी परमिशन लेनी पड़ती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर को, ये बताने से पहले कि भाई हम इस सन को अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि हमारे जाने के बाद ये सन हमारा राजा होगा। और कोई ऐसे स्पेसिफिक रूल्स नहीं थे जिसके हिसाब से रूलर्स को ये बताया जा सके कि आप किसको अडॉप्ट कर सकते हैं, किसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। यानी प्रोटेक्टेड अलाइज वाला जब ब्रिटिश ऑफिशियल से जाके पूछेगा कि भाई मैं इस आदमी को एज अ सन अडॉप्ट करके अपनी गद्दी पे बैठाना पड़ता हूँ, तो कोई ऐसा रूल नहीं जिससे ब्रिटिश ऑफिशियल बताएगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो ब्रिटिश ऑफिशियल के डिस्क्रिप्शन पे कि वो किसे परमिशन देगा अडॉप्ट करने के लिए एज अ रूलर और किसे नहीं देगा। ठीक है, और जो डिपेंडेंट स्टेट्स थे ना, उनको ये परमिशन ही नहीं दी गई कि आप कोई सन अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनको तो परमिशन ही नहीं थी, उनके तो राजा को तो सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी ही अडॉप्ट करती थी, मतलब अपॉइंट करती थी। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि भाई जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इट वॉज अ बून फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, जयपुर, उदयपुर, ये सब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल के अंदर में आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। आप समझ सकते हैं एक बहुत साइजेबल एरिया ऑफ इंडियन टेरिटरी आ गई ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर ड्यू टू दिस पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया रूलर्स के द्वारा, जनरल पब्लिक के द्वारा, पर उस समय जो लॉर्ड डलहौजी थे बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं थे। ये पूरी तरीके से ज़्यादा ब्रिटिश की टेरिटरी बढ़ाई जा सके इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को पूरी तरीके से ये अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, और ब्रिटिशर्स इस पॉलिसी को उन स्टेट्स में ज़्यादा जल्दी तरीके से लगा रहे थे जहाँ पे उनको लग रहा था कि हाँ इसको ऑक्यूपाई करने से हमको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सकता है। और जैसे किसी स्टेट को डिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया जाता, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसमें लगा दिया जाता। और कोई जुडिशियल अथॉरिटी नहीं थी रूलर्स के पास जिससे कि वो कंपनी के इस डिसीजन को चेंज कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने बोला कि हाँ भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते ये एरिया हमारे कंट्रोल में आ गया, तो उस डिसीजन के खिलाफ उस एरिया के लोगों के पास ये भी प्रिविलेज नहीं था कि वो किसी कोर्ट में जाके इस डिसीजन के अगेंस्ट में स्टे ले सके। जैसे कहते हैं ना रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, वो सब कुछ नहीं था यहाँ पे। कोई जुडिशियल अथॉरिटी थी नहीं, यानी एक बार डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बोला गया कि हाँ भाई झांसी इंग्लैंड का हो गया, तो फिर झांसी के रूलर झांसी लक्ष्मीबाई जाके किसी भी कोर्ट में रिस्ट्रेंट नहीं ले सकती कि ना भाई ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई मतलब जुडिशियल रिव्यू था ही नहीं इस डिसीजन के खिलाफ। इट वॉज टोटली अ डिस्क्रिशनरी डिसीजन एंड अ फाइनल डिसीजन। तो इस तरीके से लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपेंशन किया इंडिया में। ठीक है, उसके कुछ डिसीजंस और प्रपोजल्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मना भी किया, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि ये बात माननी पड़ेगी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते लॉर्ड डलहौजी ने एक बहुत साइजेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया को ब्रिटिश कंट्रोल, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर में लेके आया, लेकिन जिसकी वजह से आगे आने वाले रिवॉल्ट ऑफ 1857 को बहुत ज़्यादा आग मिली। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थे, इसको गेंस भी हुआ ब्रिटिशर्स को, इससे ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। वो आगे जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 की जो मैंने वीडियो बनाई उसमें आपको पता चलेगा। तो जो लॉर्ड डलहौजी की इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने इस वीडियो में बताई। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, अगर पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।